तो दोस्तों ये बाबा जी है यहाँ पर, तो पहले भी इनके साथ मैंने ब्लॉग मतलब कि यहाँ पे वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों ये है सेकंड मंदिर यहाँ पे, जो बाबा जी तो बुआ कोड़ी जी का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो साथ में आप कब देख सकते हो लगे हुए यहाँ पे प्लेटें। तो दोस्तों मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पर लगते हैं झूले, और यहाँ पे जो भी जितने भी झूले हैं ना यहाँ पे सारे लगते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। आ जाओ सारे। अच्छा आ गए हो। तो जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज है 20 नवंबर, तो रविवार का दिन। तो दोस्तों आज मैं गया वो था जिड़ी मेले में। तो एक्चुअली जो मेला था वो ख़त्म हो चुका था 16 नवंबर को, तो मुझे उस दिन पता चला कि आज ख़त्म होना है। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था, तो उसकी ट्राई थी गाड़ी की, तो वहाँ पर यह होता शाम को मुझे पता चला, तो फिर मैं रात को गया नहीं। तो मेरे मन में ऐसे हो गया कि मैंने जाना था, मैं जा नहीं पाया। तो फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन के अगले दिन के बाद ना, तो मुझे सपना आया कि क्या दिमाग में बैठी हुई थी ना बात की मैंने जाना था, कि मैं जैसे मेरा आर्मी स्कूल दमाना तो उसके बाहर मैं खड़ा हूँ, तो वहाँ पे मैं जीडी की गाड़ी पूछ रहा हूँ, जीडी जाना मतलब कि ऐसा दिमाग में सेट हो गया कि तो वहाँ पर मैं जीडी की गाड़ी बैठता हूँ। तो फिर सपना मतलब कि फिर उठ जाता हूँ मैं। फिर मैंने उस दिन सोच लिया कि मैं जाऊँगा अब, तो मेरा मन करा वहाँ जाने का, तो मैं गया वहाँ पर। तो मम्मी के साथ ही गया फिर मैं आज। तो पहले मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी कहते रश बड़ा तो वहाँ पे फिर चला नहीं जाएगा वहाँ पर। तो फिर हमने संडे को चूज़ किया, फिर हम संडे को गए मतलब कि आज गए। तो वही था मेन, क्या बोलते हैं, हम पहुँचे, मेरा मन था इस बार, मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा मेले में। ऐसे ही मैं मेले में जूटे छूटे कम ही लेता, क्योंकि मुझे लगता है झूलों से डर, सीधी सी बात है, पेड़ शेड़ में चढ़ाना तो हम चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो झूलों का थोड़ा डर लगता है, कई बार चीज़ें सुनी होती है कई बार कि झूले से वो गिर गया बंदा जो भी है, या झूला टूट गया, तो वो डर रहता है मुझे, इसलिए मैं बैठता नहीं हूँ। तो फिर इसलिए हम वहाँ पर गए थे। तो चलो आप पहले ब्लॉग देखो। तो साथ में जो मैंने ब्लॉग है ना, तो जो कंप्लीट किया हुआ वो मैंने किया हुआ है बावे तालाब में। तो हम जब जीडी से होकर गए, तो फिर हम बावे तालाब चले गए मथा टेकने, वहाँ का भी ब्लॉग मैंने शूट करा हुआ है, तो आप लोग वो भी देख लेना। मैंने सोचा कि आपको मैं बता देता हूँ, और साथ में क्या बोलते हैं एंड भी वहीं पर किया हुआ है, तो मैंने सोचा घर आके कहना वहाँ पर ठीक रहेगा, तो वहाँ पर मैंने एंड कर दिया। तो आप ज़रूर देखना और पूरा एंड तक ब्लॉग देखना। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जीडी में, जो बाबा जीतो और बुआ कोड़ी का मंदिर है, तो देख सकते हो आप। और साथ में यहां पे शनिदेव जी का भी मंदिर है। जय शनिदेव महाराज, जय। जो मेला है वो खत्म हो चुका है। साथ में हमें सिमी भैया भी मिले हैं, और भैया क्या ला, ठीक है, सिमी भैया भी मिले हैं यहाँ पर। तो चलते हैं। मेला यहाँ पर जो है ना वो मैक्सिमम खत्म हो चुका है, लेकिन मैं नहीं आ सका, तो मैंने सोचा कि संडे का दिन बड़ा अच्छा, तो हम यहाँ पर मत्था टेक सके। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो अभी एक और कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, नमस्ते, मेरा YouTube चैनल है, अगे भी बनाई ही मैं वीडियो, तो दिख सकते हैं। नमस्कार। तो दोस्तों ये बाबा जी है यहाँ पर, तो पहले भी इनके साथ मैंने ब्लॉग मतलब कि यहाँ पे वीडियो बनाई थी, तो आप आई बटन में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो पूरा उन्होंने बताया हुआ है। तो और बाबा जी क्या हाल चाल है? बस बाबा जी की कृपा से ठीक है, इनके आशीर्वाद है, और इनके आशीर्वाद से टाइम पास हो रहा है जी।
थैंक यू। तो जो आप देखोगे ना, जो बाबा जी ने पूरा बताया हुआ ना, तो आपको आई बटन में बता दूंगा, आपको लेफ्ट साइड में आई बटन आपको दिख रहा होगा, पूरा बाबा जी ने पूरी स्टोरी बताई हुई है, तो आप वहां पे देख लेना मेरे जो पिछले ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे भी है पिछड़ा हुआ मंदिर, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ से घूम के है, तो यहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर मत्था टेक लिया, तो दोस्तों ये है सेकंड मंदिर यहाँ पे, जो बाबा जी तो बुआ कोड़ी जी का है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जय बाबा जी की, जय हो, जय बाबा। तो आज मेरा मन था आने का, साथ में हुआ क्या कि मुझे परसों यहाँ पर सपना आ रहा था कि मैं जब आर्मी स्कूल दबाने वाली तरफ से गाड़ी चढ़ रहा था चिड़ी की, तो हम डोगरी चिड़ी बोलते हैं जीड़ी, तो मेरा मन करा तो मैंने आना था, तो मैं आ गया। तो ये वाला जो इधर वाला सेकंड मंदिर है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो पहले मैं उधर गया था, मुझे इतना पता नहीं था, तो अब मैं इस तरफ आया हूँ। तो चलो चलते हैं बाहर। आपको मिलेंगे बाहर, जहाँ पर पहले अभी मेला लगता था ना यहाँ पर बाहर, तो अब तो मेला ख़त्म हो चुका है, तो हम आपको ऐसे बताएंगे जो भी वहाँ पर लगा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर बता देंगे, मिलते हैं आपको बाहर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है पहला वाला मंदिर, तो ये है सेकंड वाला बाबा जी का मंदिर, दो मंदिर है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो मैं सेकंड वाले मंदिर में पहली बार गया हूँ। चलो चलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, तो अब हम सीधे मिलते हैं आपको बाहर। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा मेला लगो, झूले शूले वो यहाँ पे नहीं लगे, आप जूते नहीं ले सकते, बस यहाँ पे खिलौने शिलौने लगे, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो साथ में आप कप देख सकते हो लगे हुए यहाँ पे, प्लेटें स्टील के यहाँ पे सामान रखा है इन्होंने, मेलों में यही होता है, कहीं पे शाल, कहीं पे बाबा जी तो की भी और बुआ कोड़ी की यहाँ पर तस्वीरें भी हैं और कपड़े भी हैं, और साथ में यहाँ पे गोगल, साथ में ये भी रास्ता जो
जाता है वहां पर। ये गॉगल्स दोस्तों, ये वाला रास्ता है जाने वाला, ये सेकंड रास्ता, दूसरा वाला फर्स्ट था। और यहाँ पर लगे हुए हैं शाल, तो जो गोवा वाले एरिया ना वहाँ पे यहाँ दे रही है। और साथ में यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं साथ में यहाँ पे सेंटर में लगाए इन्होंने कप। तो बिना हेलमेट के लोग घूमते हुए वहाँ पे आगे तक जहाँ से हम आए थे मेन वाली तरफ से, तो वहाँ पे भी लगे हुए थोड़ा बहुत सामान, मैं आपको बताता हूँ ये था। चलो अब हम आगे चलते हैं ना, फिर मैं वहाँ पे बताऊँगा जहाँ पे झूले लगे ना, जो अभी उसको क्या बोलते हैं बंद करके लेके जा रहे हैं वो। तो दोस्तों मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पर लगते हैं झूले, और यहाँ पे जो भी जितने भी झूले हैं ना यहाँ पे सारे लगते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, तो आप ऐसे कभी नहीं आए होंगे, मतलब कि आप आते लोग आते हैं कि यहाँ पर मेले में, तो मैं मेला देख नहीं पाया। इस पर मैं बताता हूँ जब इसको अनपैक किया जाता है, मतलब कि बंद किया जाता है, झूलों को क्लोज किया जाता है, वो कैसे करते हैं वो आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी झूलों को खोला जा रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर सारे झूले यहाँ पर अनपैक किए जा रहे हैं। तो आगे तक जो भी एरिया यहाँ पर बाबा जी तो उनका ही, ये सारी ज़मीनें थी यहाँ की जहाँ जहाँ पे भी ये लगता है, तो यहाँ पे अनपैक किया जा रहा है सारा सामान। तो देख सकते हो आप यहाँ पे अनपैक होता हुआ सारा सामान, ये गाड़ी भी, तो जो ये हिप्पो वो भी सब हो रहा है यहाँ पर, वो भी क्रेन के साथ खोला जा रहा है सारा सामान। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह यहाँ पे इसी जब ऐसे ही होता है, जब इसको इंस्टॉल किया जाता ना पूरा, तो सेम ही प्रोसीजर है। आप देख सकते हो एंड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसे अनपैक कर दिया है, तो अब इसको एक गाड़ी पे लोड किया जा रहा है, तो फिर ये लेके जाएंगे अपने घर में। सारा जो ये एरिया ना यहाँ पर झूला लगता है, जितने भी लोग आते हैं ना वो इस एरिया में आते हैं, तो लोगों ने कईयों को पता नहीं होगा कि कहाँ लगता है। अब जब आते हो लगा उससे पहले, जो यहाँ के जीड़ी के लोग हैं उनको सब पता होगा यहाँ का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं सोचा कुछ तो कुछ बताना, तो इस बारी मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँ कि तो साथ में यही रास्ता जाता है, ये भी जाता है अंदर वाली तरफ, डब्बे वाली तरफ जाता है, डब्बे एरिया यहाँ पर, तो गाँव का नाम डब्बे है, वहाँ जाता है, तो सामने दिखता है बाबा जी का मंदिर। तो चलो अब मिलते हैं आपको बाद में। और साथ में यहाँ पर अभी जो एग्जीबिशन का सामान आता है जो लोग ख़रीदने वाले, वो भी यहाँ पे है, तो ये तो इन्होंने बंद करना ही था, ये तो चलो शाम को उठा सकते हैं, अभी तक यहाँ पे लगा हुआ सारा सामान। टेडी बियर, दिल, जिसने दिल देना है किसी को वो दे सकता है यहाँ पर, है ना, दिल दे सकता है ना किसी को, जिसने दिल देना होगा, है ना, ये दिल किसी को देना हो दे सकता ना, तू भी दे सकता किसी को देना होगा, है ना, ये कह रहा है जिसको दिल देना है दे सकते हो, गर्लफ्रेंड को या किसी और को भी, और किसको, किसी को भी दे सकते। जिसकी चार गर्लफ्रेंड हुई उसकी तो तेरी भावा हो जाएगी वहाँ पर। तू कोशिश कर, चार गर्लफ्रेंड वाले आते ना वो आए हैं ना यहाँ पर, तो अभी ये मेला भी ये पूरा बंद कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो, यहाँ पे रहते हो आप ऐसे, ये ऊपर जो रास्ता जाता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कहाँ से हो आप, हैं पंजाब से, आज लास्ट मतलब की ऐसी, ये तो कब का बंद हुआ है, ये मेरे ख्याल से कितने तरीका हुआ, ये 16 तरीका हुआ ना, हाँ 16 को बंद हो गया, ये तो चलो ये तो लग जाता है, वो तो बंद करना पड़ता है। तो व्यू देखो यार क्या ब्यूटी है आपकी, जब आप यहाँ पे ये सामान नहीं ना हो, तब आप कभी आओ यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा क्या ब्यूटी है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं कचालू, तो भैया से लेते हैं, भैया 20 रुपये के डालना, ठीक है, 20 रुपये पायो, ये साढ़े डोगरे भ्रा ने, तो मैं सोचा कि डोगरे भ्रा को जन्ने अस। Thank you.
दोस्तों। शैल ना भैया जी, शैल ना तो खाई लैने फिर और तो हमें मिलना। तो दोस्तों मैंने अभी खा लिया यहाँ पे कचालू, तो चलो चलते हैं। तो मैंने अभी जाना है सीधे बावे तलाब की तरफ, तो चलो चलते हैं और सीधे आपको वहीं पे मिलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर बावे तलाब, ये भी बाबा जीतो और बुआ कोड़ी का मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो पूजो लिया, तो चलो चलते हैं अंदर। ये है मंदिर, जूते में अंदर खोलिए रे, कोई नहीं कोई नहीं। तो दोस्तों मंदिर है, तो मैं पहले बहुत बारी आया हूँ यहाँ पर भी बाबा तालाब में, तो जाऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबा जीतो जी का मंदिर है यहाँ पर, और बुआ कोड़ी का भी। तो जो बुआ कोड़ी थी वो माता वैष्णो देवी का ही अवतार है, तो उनकी बेटी बनी थी माता रानी। तो दोस्तों ये है बाबा जीतो का जो पहले मंदिर आता है, जो आपको मैंने बताया यहाँ पर, तो बावे तलाब से कहते हैं, मैंने आपको बाहर ही बताया। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो मम्मी जी ने यहाँ पर प्रसाद चढ़ा दिया, तो हम यहाँ पे सलामत लेते हैं, तो फिर चलते हैं बाहर। तो साथ में यहाँ पे भी इन्होंने जय बाबा जी की जय हो, तो यहाँ पे परिक्रमा लेते हुए, तो यहाँ से भी है ये है। और साथ में यहाँ पर सारे मंदिर हैं आप देख सकते हो, तो शेरवली जय हो। और साथ में यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, यहाँ पे राय मल्ली सुगल देवता जी और बाबा कालीवीर और बाबा सिद्ध गोरी जी, सबके यहाँ पर साथ शिव जी भगवान का भी है, जय हो। तो चलते हैं अब हम। तो दोस्तों यहाँ पे भोलेनाथ जी का भी एक मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर, एक मंदिर हो रहा है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। साथ में यहाँ पर तुलसी माता और यहाँ पे भी है एक, यहाँ पे हाँ शनिदेव जी का भी मंदिर बनाया हुआ इन्होंने, जय शनिदेव महाराज की जय। तो अभी बनाइए, मतलब कि मैं जब आया था तो अब आया हूँ, तो अब बनाइए। तो ये है यहाँ पर देख सकते हो आप, अंकल यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो जाओ अंकल जी की टोल छोड़। तो दोस्तों ये था बाबा जीतो और बुआ कोड़ी का मंदिर, और साथ में यहाँ पर है बावे तालाब जिनको बोलते हैं तालाब, यहाँ पे लोग नहाते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं भी आता था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ का ब्लॉग शूट करा हुआ है, तो ये था यहाँ का ब्लॉग। तो मैं मेन मकसद यही है कि मेरा ब्लॉग बनाने का, कि लोग जब मेले में आती हैं तो मेला नहीं हो तो आप तब भी विज़िट करें, तो देव स्थान है तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, तो आप भी लोगों को बताएँ जिनको नहीं पता, तो यहाँ पर भी बाबा जीतो का मंदिर है, जिनको नहीं पता तो मैं वो बता रहा हूँ, तो आए यहाँ पर मथा मुथा टेकें। यही था मेरा ब्लॉग लोगों को बताने के लिए, ज़रूरी नहीं कि आप मेले में आए, तो मैं मेले में नहीं आ पाया तो मैं क्या बोलते हैं ऐसे आ गया। तो लोग संडे को तो यहाँ पे मेला एक तरह का छोटा मोटा लगा ही होता है लगभग यहाँ पर। तो यही था ब्लॉग, होप है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन हो घंटी डॉट 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 ऑल ऑप्शन क्लिक करेंगे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मुंजा, मतलब जय डुगरो, जय माँ डोगरी और जय भाव जी, तो जय बुआ कोड़ी।